जब तक एक्सीलेटर में पैर नहीं डालोगे तब तक कुछ भी काम नहीं करेगा। बोकेट रोटेट कर रहा हूँ, देखिए ये बोकेट अभी रोटेट हो रहा है। फर्स्ट वीडियो है जो ऐसे बता बता आदमी ये कर रहा है। लीवर में डाउन कर रहा हूँ, डाउन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो कंट्रोल नहीं हो रहा है। गाइस स्वागत है हमारे केजीएन यूट्यूबर कुशीनगर में, और आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ऊपर से कैसे ऑपरेट करते हैं, चाहे जेलजी हो, जेनी हो, होलेट हो, चाहे डिग्नी हो, कौन सा भी गाड़ी हो कैसे ऑपरेट करते हैं। और कुछ लोग का डाउट होता है कि इसमें ब्रेक दिया है कि नहीं दिया, किस हिसाब से रुकता है, और कुछ लोग का डाउट होता है कि इसमें ऑपरेट कैसे करते हैं, ऊपर बटन किस किस हिसाब से दिया है। आप लोग को ऐसे दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा, बटन जो है कैसे प्रेस करके दिखाऊंगा, बटन हर एक बटन आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे ऑपरेट करते हैं। और कुछ लोग का डाउट होता है कि इसमें मतलब सीट दिया है कि नहीं, बैठ के चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं, ये चीज बहुत लोगों को कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग। तो आप लोग ऐसे कंटिन्यू वीडियो में रहिए और आप लोगों को दिखाऊंगा, और ज्यादा समय लगते हैं आज का वीडियो हम लोग। कैटेगरी पहले मालूम करना होता है, सबसे पहले आप लोगों को ये करना होता है कि इसमें कौन सा कैटेगरी में कौन सा सीट वगैरह देगा कि नहीं देगा, ये कैटेगरी मालूम होना चाहिए। पहला आता है MEWP, मोबाइल इलेवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म जो आता है ट्रक माउंटेड, जिसमें सीट वगैरह देता है, बैठ के आप ऑपरेट कर सकते हो। एक आता है AWP, एरियल वर्किंग प्लेटफॉर्म, जो कि अपना जो लिफ्ट रहता है, मेन लिफ्ट आते हैं, जैसे मेन लिफ्ट बोलिए, बूम लिफ्ट बोलिए, ये सब आ जाता है, उसमें सीट वगैरह नहीं देता है, आप लोगों को खड़ा होकर चलाना पड़ता है, ठीक है। और अब आते हैं ऊपर से, मैं चलाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे कैसे चला रहा हूं, कैसे कैसे बटन ऑपरेट कर रहा हूं। सबसे पहले ऊपर जाना होगा तो ये चाबी ऊपर करेंगे ऊपर की तरफ, और फिर स्टॉपर खींच लेंगे, देख सकते हो मैं स्टॉपर खींच लिया और चाबी ऊपर की तरफ कर लिया। और सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कौन से बटन से और कौन से लीवर से क्या क्या चीज होता है। तो सबसे पहले आप ऊपर आइए और मैं समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को दिखा दूं, दो लीवर दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो दोनों लीवर का क्या काम होता है। फर्स्ट लीवर का मैं बता देता हूं, फर्स्ट लीवर में आपका जो मार्चिंग होता है, ठीक है, मार्चिंग बोले तो आगे पीछे आपका गाड़ी होगा, और जो ऊपर बटन दिया इसे टायर कटिंग होता है लेफ्ट राइट, ठीक है, इसमें हैंडल वगैरह नहीं देता है, इसी में बटन देता है टायर कटिंग का लेफ्ट राइट, और ये आगे पीछे मार्चिंग होता है, ठीक है, ये मालूम चल गया। और दूसरे लीवर का काम होता है बूम अप डाउन करना, जिसमें बूम है उठता है और डाउन होता है, उसी में आप इधर कीजिएगा तो स्विंग होगा, इधर होगा और इस साइड होगा, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गया होगा। और बाकी के बटन के बारे में समझा देता हूँ, ये बटन का काम होता है जैसे आप गाड़ी इस साइड से लेके उल्टा कर दिया गाड़ी, ये बटन का काम ये होता है, जैसे गाड़ी उल्टा कर दिए उस साइड, तो उस साइड मार्चिंग करना है तो मार्चिंग नहीं होगा, तो आप बटन दबाओगे ऐसे तो मार्चिंग होने लगेगा, ठीक है, उल्टा भी मार्चिंग होने लगेगा। उसके बाद अगला बटन आता है ये बटन का काम होता है सेल्फ करना, मतलब सेल्फ जैसे मारोगे सेल्फ मतलब स्टार्ट हो जाएगा गाड़ी, ठीक है। और अगला बटन आता है ये इंजन का रेस लगाता है, जैसे आपको कहीं ज़्यादा फास्ट चलना हो तो उसके वजह से आता है। और इधर आते हैं, इधर जो आपको इधर दिखाने की कोशिश करता, थोड़ा इधर दिखाइए कैमरामैन, ये बटन दिख रहा है, इससे बोकेट लेबल अनलेबल होता है, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और अगला बटन जो आता है ये वाला, एक मिनट थोड़ा दूर कीजिए, ये बटन जो आता है इससे बोकेट रोटेट होता है, मतलब घूमता है ऐसे ऐसे, जो मैं खड़ा हूँ ये इससे ऐसा होगा, लेफ्ट राइट घूमेगा। और अगला जो बटन है इससे फ्लाईजिप अप डाउन होता है। और जो चौथा बटन आपको दिख रहा है इससे मतलब स्पीड कम तेज करते हैं, इससे ये वाला जो बताया था इससे इंजन का रेस बढ़ता है, ठीक है। और बाकी का आप लोग को तो समझ आ गया होगा, और आगे बढ़ते हैं, आगे इधर दिखाते हैं आपको स्टॉपर देखने को मिल जाता है, जैसे कहीं इमरजेंसी आता है गाड़ी बंद करना हो तो डायरेक्ट बंद कर दोगे, ठीक है। और इधर आपको हॉर्न देखने को मिलेगा, जैसे दबाई का तो हॉर्न मारता है। और पहले आप थोड़ा यहाँ थोड़ा दिखाने की कोशिश किया, मैं आप लोगों को पहले स्टार्ट करके दिखाता हूँ कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये स्टॉपर में उठाया, उधर से तो आप लोग देख लिया कैसे ऊपर का सिस्टम कर दिया, और ये सेल्फ मारता हूँ, आप लोग देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट हो चुका है। और ये है एक्सीलेटर, एक्सीलेटर आप लोग को जानना जरूरी है, जब तक एक्सीलेटर में पैर नहीं डालोगे तब तक कुछ भी काम नहीं करेगा। अब दिखाता हूँ आपको, पहले पैर डाल लेता हूँ, ठीक है, पैर में डाल दिया, अब मैं इधर आपको बटन ऑपरेट करके दिखाऊंगा। इधर दिखाता है बोकेट रोटेट का ये बटन है, आप लोग दिखा देता हूँ, ठीक है। और कैसे रोटेट होता है आप लोग को ये मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा दूरी बना दीजिए ताकि दिखे, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट बार मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि बता बता के और दिखा रहा हूँ। देखिए मैं बोकेट रोटेट कर रहा हूँ, देखिए ये बोकेट अभी रोटेट हो रहा है, ठीक है, अब मैं राइट करूंगा तो राइट रोटेट होगा, मतलब ये क्या होता है, जैसे मैं काम कराना है किसी हिसाब से काम कराना है, इधर घुमा कराना है तो ऐसे मैं करा सकता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से आता है बोकेट रोटेट बटन। और बाकी का मैं और आगे आइए थोड़ा, मैं आप बाकी का बटन दिखाता हूँ आपको ताकि आपको समझ आएगा, ठीक है। और अगला जो बटन है ये फ्लाईजिप का है, ये फ्लाईजिप, और फ्लाईजिप किसको बोलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे किसको फ्लाईजिप बोलते हैं, फ्लाईजिप किसको बोलते हैं, इधर आइए इधर दिखाइए, फ्लाईजिप इसको बोलते हैं जो 5 फीट का है। अब देखिए मैं फ्लाईजिप उठाऊंगा कैसे दिखेगा, तो इसको बोलते हैं फ्लाईजिप। फर्स्ट वीडियो है जो ऐसे बता बता आदमी ये कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं, इधर नेक्स्ट आइए, और अगला मैं बटन बताऊंगा आपको दिखाने की कोशिश कर, अगला बटन मैं बताऊंगा
जैसे अभी ये बोलिए लीवर के बताऊंगा, जो बूम अप डाउन होता है कैसे होता है, अप डाउन होता है और स्विंग होता है ये बताऊंगा। पहले अप डाउन का बताता हूँ, अप डाउन का थोड़ा दिखाता हूँ मैं। ये देखिए अप करना होगा, इधर देखिए लीवर की तरफ दिखाइए, ये देखिए अप डाउन होता है तो देखिए बूम कैसे उठ रहा है ना, तो ऐसे बूम उठता है उसी से डाउन कीजिए तो डाउन होने लगे। देखिए लीवर में डाउन कर रहा हूँ, डाउन हो रहा है ठीक है। और इसी लीवर से अभी इधर आइए, अब जो लीवर है जो बूम अप डाउन हो रहा है इसी लीवर से मैं लेफ्ट करूँगा तो लेफ्ट तरफ स्विंग होगा, आपको दिखाने की कोशिश कर, और वही मैं राइट तरफ करूँगा तो राइट तरफ स्विंग होगा, दिखाने की कोशिश करता हूँ आप देख सकते हो, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे। और आगे का इधर ये अब अगला दिखाऊंगा मैं, अगला क्या काम है, ये काम अपना कंप्लीट हो गया। आगे इसमें एक और बटन देता है, मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, जो कि तेली का देता है, मतलब बूम निकलता है और कैसे अंदर जाता है, तो इसी बटन से आप ये बटन दाबोगे तो बूम निकलेगा। देखिए ये आगे की तरफ मैं दाब रहा हूँ, बूम निकल रहा है, इसमें देख सकते हैं कैसे बूम निकल रहा है, जिसको मैं टेली बोलता हूँ, मैं टेली बोलिए बूम बोलिए सेम ही होता है। और वही बटन आगे की तरफ दाबूंगा तो अंदर जाएगा, सेम जैसे उसमें टायर कटिंग दिया वैसे ऊपर भी बटन इसमें दिया है ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि उसी लीवर में देगा, अलग जैसे बटन में भी दे देता है, कहीं भी आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। और अगला काम क्या है, हार्न का, हार्न तो आपको मालूम है, दाबोगे तो हार्न बजेगा ठीक है। इधर आइए और एक और लीवर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक लीवर है मार्चिंग का, जो मार्चिंग का आप लोगों को बताया था, जैसे मैं ये पीछे करूँगा तो देखो मेरा गाड़ी पीछे होगा, ये देखो आप लोग देखो मैं पीछे कर रहा हूँ, दिखाइए उधर गाड़ी दिखाइए ताकि आप लोग को मालूम चले कि हाँ कैसे मार्चिंग हो रहा, देख सकते हो गाड़ी मार्चिंग हो रहा है ठीक है। अब वही लीवर इधर दिखाइए, अभी इधर दिखाने की कोशिश कीजिए, वही लीवर मैं आगे करूँगा तो गाड़ी आगे जाएगा, देख सकते हो आगे जा रहा है, मतलब वही पीछे करो तो पीछे जाएगा, आगे करो तो आगे जाएगा। उसी बटन में आपको टायर कटिंग दिखाता हूँ, इधर आइए मैं टायर कटिंग करके आप लोग को दिखाता हूँ कैसे बटन से करते हैं ठीक है, आप लोग दिखाता हूँ। देखिए ये देख सकते हो ये टायर कटिंग का बटन है, ये टायर कटिंग का बटन है, देखिए कैसे कट रहा है, लेफ्ट राइट सब दिया है, देखिए उधर टायर कटिंग हो रहा है, मैं अभी राइट तरफ का कटिंग कर रहा था अब लेफ्ट तरफ का कटिंग कर रहा हूँ, सेम वैसे ही होता है, बाकी कोई प्रोसेस नहीं होता है ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को मालूम चल गया होगा। और अगला मैं आपको दिखाता हूँ इमरजेंसी, अब मैं स्टॉपर बंद कर दिया, स्टॉपर बंद कर दिया, इधर आइए, ये मैं स्टॉपर जैसे डाउन करते हो तो गाड़ी बंद पड़ जाता है, तो मैं गाड़ी बंद कर दिया हूँ। आप लोगों को अब इमरजेंसी दिखाऊंगा, इमरजेंसी कैसे करते हैं, तो इमरजेंसी के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, स्टॉपर बस ये जो स्टॉपर है, ये स्टॉपर बोले इमरजेंसी बटन सेम एक ही होता है, तो स्टॉपर में उठा दिया, अब कुछ नहीं करना हमको, ये भी उठा दिया ठीक है, ये इमरजेंसी बटन है, अब मैं पैर डालूंगा, ये इमरजेंसी बटन है, कौन सा भी चीज़ मैं ऑपरेट करूंगा तुरंत ऑपरेट होगा ठीक है। अब जैसे टेली निकाला, देखो कैसे निकाला है, उधर दिखाइए, देखिए टेली निकाला है कि नहीं, मतलब जो चीज़ करना है सब कुछ होगा, उसी बटन से आगे करो तो आगे होगा। इधर देखिए, इधर दिखाइए तभी मालूम चलेगा, आप लोग ऐसे मालूम चाहिए, देखिए कुछ किया नहीं हो, मैं बटन दबाओ टेली निकाला ठीक है। तो सेम ऐसे ही होता है प्रोसेस, और तो आप लोगों को शायद समझ आ चुका होगा आज के वीडियो में, और बाकी कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, और इससे भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा समय ना तो आज के वीडियो हम लोग खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।